मैं सारे दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। माय नेम इज़ कमलप्रीत कौर। आई बिलोंग टू होशियारपुर, पंजाब। आई स्टडी इन रियादारा इंटरनेशनल स्कूल। Recently, my debut movie Subhadar Jugminder Singh has been released. In this movie, I have played the role of main heroine Aditi Sharma. I'm Aditi Sharma's sister. My name is Darbar Kaur in the movie. इससे पहले मैंने अंबर सर वाला जॉर्डन संधू के साथ जो आई थी उसमें काम किया है, जो उसमें हीरोइन थी उसका बचपन का कैरेक्टर। और दूसरी एल्बम की थी मैंने रघुवीर के साथ, वो है मिनी बस। मेरी हॉबी डांसिंग और एक्टिंग है, लेकिन जो मेरी ड्रीम है वो है IAS ऑफिसर बनने का। अभी मैं जिस भी कहीं पर भी जाती हूँ तो सारे मेरे को कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जो सुभेदार जोगिंदर सिंह की मूवी में आई है। सारे मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो सब मेरे को पहचानना शुरू करते हैं। और जैसे ही आई हूँ सारा कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। सुबेदार जोगिंदर सिंह के सेट पर जब जॉर्डन सर और बंटी सर वैनिटी से उतर कर आए, तब मैं बहुत सरप्राइज थी और खुश भी थी कि हाँ मैंने इनके साथ काम किया। उनने बहुत प्यार किया, तो गिप्पी सर ने मेरे को हमको देखा, उनने देखा कि मैं उनको कैसे जानती हूँ। फिर उनको पता चला कि मैंने उनके साथ जॉर्डन सर और बंटी सर के साथ काम किया एक एल्बम में, तब वो भी बहुत खुश थे। मैंने मुझे गिप्पी सर के साथ एक फ़ोटो करवानी थी, तो मैंने बाउंसर्स थे तो उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ क्या मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने जा सकती हूँ। तो उनने मेरे को हाँ कह दिया। और जब मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने गई तो सारे जो बाउंसर्स थे वो एक लाइन में खड़े हो गए और उनने मेरे को कह रहे थे कि एक स्टार सुपरस्टार को मिलने जा रहा है। और जब अंदर गई तो हम लोग ने फ़ोटो खींच ली। सुबेदार जोगिंदर सिंह फिल्म में एक ट्रेन का सीन है, उसमें मैं और अदिति दीदी हैं, तो उसमें हमको चने खिला रहे थे। वो सीन लंबा हो गया, 2 घंटे का। मैं चने खाई जा रही थी और मैं थक गई, मतलब खाते खाते। फिर मैंने अदिति दीदी को कहा अब मेरे से नहीं खाए जा रहे और तो प्लीज़ मुझे कुछ और दे दो। तो फिर उनने फिर चेंज करके हमें पीनट्स दे दिए थे।
स्कूल बस में जब मैं शूटिंग के बाद गई थी तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स तो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हमारी फ्रेंड आ रही है, और कई में तेरा ट्रेलर आया था, आया तेरे तू ही थी उसके अंदर, मतलब बहुत एक्साइटेड थे। और मेरे को कई कह रहे थे, वहाँ से मैं बहुत टैन हो के आई थी, तो कई कह रहे थे तू मेकअप करके आई है या फिर टैन हुई है। तो उस टाइम तो मैं टैन थी, लेकिन जब हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था, मेरे प्रिंसिपल सर ने 7 मिनट्स के लिए सिर्फ मेरी मेरे जो मैंने किया है एल्बम्स में मूवीज़ में उसी के बारे में बात की, और जो स्क्रीन लगी हुई थी उसके ऊपर मेरी क्लिप्स आनी थी। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और डीन सर, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, पूरी स्टाफ, टीचर्स अप्रिशिएट किया था और गुड विशेस दी थी। मिस्टर विनाश राय खन्ना, मिस्टर विजय सांपला, ये हमारे स्कूल में आए थे, इन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी और अप्रिशिएट भी किया, और इनको मेरा डांस बहुत अच्छा लगा और इन्होंने रिपीट में देखा मेरा डांस, और सबको जिनने मेरा डांस देखा था उनको बहुत अच्छा लगा मेरा डांस देख। कमल चौधरी अंकल भी स्पेशली मेरे को मिलने के लिए घर आए थे, मेरे को ब्लेसिंग्स दी थी, मेरे को अप्रिशिएट किया, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे को मिलने आ रहे हैं। सुबेदार जोगिंदर सिंह की शूटिंग सूरतगढ़ राजस्थान में हुई थी, वहाँ पर आपको मालूम है बहुत गर्मी होती है, और वहाँ पर जो रेत थी वो इतनी गर्म होती थी, मतलब ऊपर से भी धूप गर्मी थी और नीचे से भी, तो मेरे पैर जब हम वहाँ पर जाते थे पैर बहुत सड़ा करते थे, तो जैसे हमारा टेक ख़त्म होता था तो मेरे को फटाफट चेयर लाते थे, बिठाते थे, और गदर सर, चेकमैन सर, जी सर, ये आके मेरे पैर धोते थे, क्रीम लगाते थे, मसाज करते थे। अगर मम्मा वहाँ से मेरे को देखने आती थी, चिंता करती थी, तो वो कहते थे चिंता मत करो, हम हैं, जब तक हम यहाँ हैं तो इसको कुछ नहीं होएगा। पानी हर सेकंड में मिलता था मेरे को, तो मैं बहुत हैरान थी कि मैं पहली बार मूवी में आई हूँ और मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। अभी मैं जिस भी कहीं पर भी जाती हूँ तो सारे मेरे को कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जो सुबेदार जोगिंदर सिंह की मूवी में आई है, सारे मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो, सब मेरे को पहचानना शुरू करते हैं, और जैसे ही आई हूँ सारा कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। ये मेरा पहला इंटरव्यू है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो शूटिंग की यादें थी वो ताज़ा हो गई हैं, और जिसके कारण आप देख सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। पहले तो मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जब वहाँ गई तो ऐसा लगा यानी कि हाँ मेरे सामने है, क्योंकि सारे बच्चों ने उनको घेर रखा था। फिर जब हम उनके वैनिटी में गए तो उनने मेरे से कुछ पूछा था कि क्योंकि मेरे वन साइड ही डिम्पल आते, तो उनमें मेरे वन साइड की बात है, दूसरी साइड मैं बना लेता हूँ, तो वो अच्छा लगा। सुबेदार जोगिंदर सिंह का एक सीन है मेले का, उसमें हमको ये खिलौना दिया गया था, तो मैं वहाँ से इसको ले आई थी यादगार के लिए। हमारी मेरी और गिप्पी सर की एक फ़ोटो हो रही थी,
जैसे कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता है कि किस तरफ देखना है, वो इधर उधर से हिलाते रहते हैं, तो फिर गिप्पी सर मेरे को कहते हैं, मतलब उस तरफ देखे कि वो देखो वहाँ पर चिड़िया जा रही है। तो उस टाइम मेरे को तो मालूम था कि वो एंगल ले रहे, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरे को चिड़िया तो नहीं दिख रही लेकिन एंगल पता है कि उस तरफ का लेना है। तो वो बहुत हंसे थे और मैं भी बहुत हंसी थी। फिल्म के जो सूबेदार जोगिंदर सिंह के फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सिमरजीत सर, वो पूरी टीम का बहुत ख्याल रखते थे। जब वो बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, अगर कोई होता था कि कैसे सीन एक्ट करना है आपने, बहुत प्यार से बताते थे, गुस्सा नहीं करते थे। बहुत प्राउड फील कर रही है। फिल्म स्टार्ट इतने अच्छी डेब्यू विच होया है सूबेदार जोगिंदर सिंह। अच्छा। बायोपिक बहुत मान महसूस हों कि इदा आर्मी परसन सके जिन्होंने इन्ना कुछ किया, तो वो कुछ बच्चा भी कर जाए बहुत अच्छा लगता। पूछ रहे बहुत अच्छा मान महसूस हों, सारे आके बधाई देंगे, स्कूल जाके बधाइया दे रहे, बहुत अच्छा मान महसूस हों। तो मैं आई एम ब्लैस टू हैव अ डॉटर लाइक। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਬੇਟੀਆਂ 10 ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। I really feel blessed to be the part of such an amazing movie, Subedar Jugender Singh. Nawaz Fera Production ki scripts ready ho chuki hai aur unki aur movies aayengi, unmein main aapko jald hi dikhungi. Nawaz Fera News and Production ke jo MD hain Jasmaan sir ko main bahut thanks kehna chahta hu.